उत्तर प्रदेश के कोरोना या कोविड-19 के खिलाफ जो जंग छिड़ी हुई है, इस जंग का सबसे बड़ा प्रभाव सरकारी दफ्तरों में ही देखने को मिल रहा है। जहां एक ओर सोशल डिस्टेंसिंग और सोशल वैल्यूज की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर सरकारी दफ्तरों में ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। इसका ताज़ा मामला प्रयागराज के मुख्य डाकघर में देखने को मिलता है, जहाँ पर थर्मल स्कैनिंग कर तो लिया जा रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर मजाक बनाया हुआ है। लोग सर्कल तो दूर की बात आपस से इस कदर चिपके हुए हैं कि जैसे लोग किसी दान पुण्य की जगह में आए हुए हैं। अभी गंगा दशहरा में गंगा घाटों में जिस तरीके से भीड़ थी और सरकारी अमला वहां पर नदारद था, यह भी हाथ से पद रहा। अब अंदर जो नज़ारा देखने को मिला आश्चर्यचकित कर देने वाला है। डाकघर के अंदर कर्मचारियों की कमी की वजह से जहां एक ओर कई काउंटर खाली थे, वहीं दूसरी ओर आने वाले लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि वह एक दूसरे पर चढ़े ही जा रहे थे। बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस तरीके से सरकारी महकमों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ना अब एक आम बात सी होती जा रही है।